सालों से खटारा वाहनों को ढो रही पुलिस के काफिले में अब 46 नए चमचमाते वाहन शामिल होने से पुलिस के काम की स्पीड भी बढ़ेगी। राज्य सरकार द्वारा गोंदिया जिला पुलिस प्रशासन को नए वाहनों के लिए जिला नियोजन व विकास निधि के तहत 3,60,00,000 के बजट को मंजूरी दी थी। इस निधि के तहत खरीदे गए 40 बोलेरो व 6 स्कॉर्पियो, इस प्रकार कुल 46 वाहनों का लोकार्पण 18 जुलाई रविवार को सांसद प्रफुल्ल पटेल के हस्ते पुलिस मुख्यालय कारंजा में किया गया। बता दें कि थानों की जिप्सी की घटिया हालत देखकर चिंता जाहिर की गई थी। इन पुराने वाहनों में फ्यूल ज्यादा लगता था और घटनास्थल पर पहुंचने में भी अधिक समय लगता था, जिसके बाद नए वाहन खरीदी प्रक्रिया को गति मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से 21 बोलेरो वाहन प्रोजेक्ट डायल 112 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। गौरतलब है कि डायल 112 ये एक ऐसी सेवा है जो नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने, प्रतीक्षा समय को कम करने, प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान करने, समय पर सटीक और पूरी जानकारी प्रदान करने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक पुलिस विभाग के कार्यालय में जल्द ही उपलब्ध होनी है। उसी प्रकार शेष 25 वाहनों का उपयोग पुलिस बंदोबस्त, कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रखने तथा अपराधों का खुलासा करने के साथ साथ वरिष्ठ प्रतिनिधियों व नेताओं के दौरे के दौरान एस्कॉर्ट के लिए किया जाएगा। सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से धनराशि को शीघ्र मंजूरी मिली तथा तत्कालीन पालक मंत्री अनिल देशमुख का भी विशेष सहयोग रहा। तदहेतु जिला पुलिस अधीक्षक विश्वपान सरे ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन पुलिस निरीक्षक प्रमोद घोंगे ने किया तथा आभार अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर ने माना। गोंदिया से केसरी उजाला न्यूज के लिए रवि आर्य की रिपोर्ट। ही वाहन प्रामुख्यानं प्रोजेक्ट 112 जी शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे, महाराष्ट्र इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम, त्याच्यामध्ये 21 वाहनं जाणार आहेत आणि बाकीची 19 वाहनं ती नक्षलग्रस्त भागामध्ये आणि पोलिसांना त्यांच्या कामकाजासाठी त्यांना वाटप करण्यात येणार आहेत। याच्यामुळे आमचा घटनास्थळी जाण्याचा जो वेळ आहे आमचा तो बहुशी आमचा कमी होणार आहे, रिस्पॉन्स टाईम आमचा कमी होणार आहे आणि या योग्य आम्ही जनतेला चांगलं आणि परिणामकारक पोलिसिंग आम्ही देऊ शकू। ते आपला गोंदिया पोलीस विभागासाठी आज खरोखर सुवर्ण दिवस आहे की एकाच वेळी 46 वाहनं त्यांना मिळालेले आहे आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे की गोंदिया जिल्हा तसं एक ग्रामीण भागातला वसलेला मोठा जिल्हा आहे, दुसरा इथे जंगली भाग मोठा आहे, नक्षल भाग आहे आणि त्याप्रमाणे इथे जास्तीत जास्त म्हणजे मोबिलिटीची ट्रान्सपोर्टेशनची सोय आवश्यक होती, त्याच्यात कमतरता होती आणि आता ह्या 46 वाहनं मिळाल्यानंतर नक्कीच त्यांना काही ना काही फायदा होईल, मदत मिळेल।